हम अपने इस वीडियो में अपने टॉपिक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को थोड़ा और आगे लेके चलेंगे और हम आज देखेंगे कि डिवीजन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम किस तरह करते हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स की सच एज कोई डेफिनेशंस नहीं, सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, तो हम सीधा प्रॉब्लम्स की तरफ ही चलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक जो है कह रहा है कि डिवाइड करें 2x^4 − 3x³ + x² + x − 2 को किसके साथ, जो हमारे पास है x² − 3x + 2 के साथ। ठीक है, तो हम सिंपल मेथड जो डिवीजन का हमारे पास होता है उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमने उसी मेथड की तरह लिखा है जिस तरह हम बचपन में करते आते हैं डिवीजन। ठीक है, डिवाइडेंड होता है, डिवीजन होता है। तो हमारे पास 2x^4 − 3x³ + x² + x − 2, ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है किसके साथ, इसके साथ। तो हमें पहला टर्म, जिस तरह हम सिंपली डिवीजन करते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा टर्म लिखें जिसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा पहला टर्म जो है वो कैंसिल हो जाए, हमारी यही कोशिश होती है बचपन से। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे 2x² लिखते हैं, उसको हम x² के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2x² × x² हमारे पास क्या बन जाता है, 2 × यहाँ पे 1 होता है हमें पता है, 1 × 2 2, x² को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x^4 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम 2x² को −3x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, −6x³। इसी तरह हम 2x² को +2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन जाता है 4x². फिर जिस तरह हम मल्टीप्लीकेशन में एडिशन करते हैं यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास 2x^4, ये साइन चेंज कर ली हमने क्योंकि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होती है, हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये सीधा सीधा हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये है −3x³, ये है +6x³, तो हमारे पास +3x³ बच गया। यह है x², यह है −4x², तो यह हमारे पास बच गया −3x², ये प्लस का x सेम ही रहेगा और ये −2 सेम ही रहेगा, तो ये हमारे पास बच गया क्या, रिमाइंडर। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे कि रिमाइंडर का हमारा जो पावर है वो इससे डिवीजन से छोटा है या बड़ा है। बड़ा है तो हम अभी और डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंपल हम इधर कोई भी ऐसा टर्म लिखें कि उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ऐसा ही इतना ही टर्म आए, ठीक है, इक्वल आए ताकि हम सब्ट्रैक्ट कर सकें। तो हमने 3x रखा, 3x को हम x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x³ बन जाएगा। 3x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा −9x² बन गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है ना, और फिर 3x को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास 6x बन गया। ठीक है, तो अब हम सिंपली पिछले तरह की तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस, 3x³, ये −3x³ कैंसिल, ये −3x² है, ये साइन चेंज होने के बाद पॉजिटिव बन गया, तो ये हमारे पास बच जाएगा 6x², ये प्लस का एक्स माइनस का 6x, ये हो गया 5x −2, कांस्टेंट और कोई नहीं है तो सीधा सीधा −2 रख लिया हमने। ठीक है, तो हमारे पास जो अभी रिमाइंडर बचा वो डिवाइजर से अभी इक्वल है, तो वो क्या कहते हैं, हम अभी मल्टीप्लाई हो सकता है, तो क्या हम मल्टीप्लाई करें इसके साथ कि हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। तो हम सीधा सीधा सिंपल कांस्टेंट 6 रख लिया हमने, 6 को x² के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 6x² हो गया, 6 को −3x के साथ मल्टीप्लाई किया तो −18x हो गया, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, आप लिख लें इस तरह करके, कैंसिल हो गया, उसके साथ ही माइनस का 5x और ये +18x, तो ये हो जाएगा +13x और ये माइनस का 2 और ये कांस्टेंट अभी आ गया −12, तो ये हो गया हमारे पास −14। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास ये रिमाइंडर बचा है वो डिवाइजर से छोटा हो गया, तो अभी हम ज़्यादा इसको डिवाइड जो है ना नहीं कर सकते, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, तो सिंपली अब हम लिख सकते हैं, सो क्वेश्चन जो हमारे पास हो गया वो क्या हो गया, 2x² + 3x + 6। ठीक है ना, आप ये देख सकते हैं ऊपर जो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और उसी के साथ हमारा जो है रिमाइंडर वो क्या हो गया, −13x, सॉरी, +13x − 14, जो हमारे पास यहाँ बचा। ठीक है, तो ये हमारी थी क्या, सिंपली अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की डिवीजन। तो आई होप कि आपने सारे जो अल्जेब्रिक ऑपरेशंस थे वो सारे समझ लिए होंगे। ऑन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये हमने, और डिवीजन, ये चारों ऑपरेशंस हमने देख लिए। आगे हम और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के, उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।